इसके लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी टुमारो कैसा हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल्स, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंटरडे लेवल्स कैसे मैंने एनालाइज करता हूँ और कैसे मेरा जो चार्ट का सेटअप्स है वो भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका आप लोग को आइडिया मिल जाए। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग देखता है तो जो देखना नहीं है तो नहीं देखिए, लेकिन जो देखना है तो पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़, क्योंकि मैंने एक इंडेक्स का एनालिसिस किया, एक एनालिसिस देख के आप लोग को पूरा नहीं होगा मतलब उसमें आप लोग को कंक्लूशन में नहीं मिलेगा। सोच लीजिए आप लोग को लगेगा कि आप ट्रेंड में जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने बोलूँगा कि डाउन ट्रेंड होगा कि यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए आप लोग को वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आएगा। और सेकेंडली आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जैसे इसको मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ और बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बहुत सारा लेवल्स देता हूँ और वो भी आप लोग को नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में काम के आ जाएगा। और 100 AM स्ट्रेटजी और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ, वो भी कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा उधर से, तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से एक दिन का ट्रेड हो जाता है। तो इसके लिए मैं फ्री में आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिलेगा, तो ये इसमें आप लोग को बहुत ही सुविधा होगा। और मैंने लाइव कॉल देता हूँ और लाइव डेमो भी दिखाता हूँ, मेरा बाय सेल एक्सेल शीट से इक्विटी निफ्टी सुबह में निफ्टी पेयर ट्रेडिंग इक्विटी ऑप्शन का दिखाता हूँ और शाम को मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ। कभी कभी मैंने कमोडिटी भी मतलब आफ्टरनून में देने का कोशिश करूँगा। तो ये आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है जो आप लोग अडेप्ट करके बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ मार्केट से प्रॉफिट कमा सकता है। बहुत सारा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ बहुत सारा स्ट्रेटजी टेक्निक्स दिया गया है, तो वो भी आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। हाउ टू कैलकुलेट एंड ड्रॉ फिबोनाची एंड पिवट पॉइंट, आप लोग एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट कर सकता है आप लोग। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, हाउ टू सिलेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, बेस्ट स्टॉक्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, ऑप्शन एनालिसिस, ये सब बहुत सारा चीज़ है। हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन यूजिंग डायनामिक कॉल लेवल्स, फिबोनाची लेवल्स, ये सब आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, तो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक दिया है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है, मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया हुआ है, वो भी आप लोग ले सकता है बहुत ही चीप प्राइस में और कॉल सर्विस भी ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बस पढ़िए और आप लोग का एक को आप लोग का जो लोग मेरा वीडियो देखना चाहता है रियली, तो इसमें आप लोग को मेरा जो सोशल नेटवर्क साइट है फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, इसमें जरूर ज्वाइन होकर रहिए क्योंकि इसमें मैंने सोच लीजिए जो लाइव कॉल दूंगा क्या ये जो नेक्स्ट डे के लिए जो दिखाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब वीडियो का प्रॉब्लम मतलब यूट्यूब वीडियो बनाने का यूट्यूब में वीडियो डालना प्रॉब्लम हो जाता है। और जो लोग दूसरा ग्रुप में है फेसबुक में तो उन लोग का कुछ फेसबुक का कुछ मतलब रूल्स रेस्ट्रिक्शन होता है, तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम मैंने जो फेसबुक पेज मेरा फेसबुक पेज व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो आप लोग को सुविधा हो जाएगी। एनीवे तो मैंने देखिए निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। निफ्टी का जो डेली चार्ट ओपन किया हूँ तो इसमें आज थोड़ा बुलिश कैंडल बना है। इसका जो अगला दिन का ये एक्चुअली इसका अगला दिन का हाई जस्ट थोड़ा है, लेकिन इसका जो हाई है इसका तोड़ नहीं पाया 9158 का, ठीक है। इसका एक बुलिश कैंडल बना जरूर है, लेकिन इसका ट्रेंड नीचे हो गया है। मैंने बोला है इसका नीचे का ट्रेंड चालू हो गया है, तो ये अभी नीचे ही जाने वाला है। कभी कभी ये ऊपर जाएगा, 300 400 500 पॉइंट तक जा सकता है। 9890 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा। और नीचे का जो लेवल्स है 8500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, 8800 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 8500 का लेवल, उसके बाद 8000 का लेवल और 7500 का लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो इसमें देखिए मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा दूंगा, और इसका जो ट्रायंगुलर पैटर्न बना है इस इधर से, जो आप लोग ट्रायंगुलर पैटर्न बन कर देख सकता है, तो इधर ये भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसका जो ब्रेक हो चुका है, ये जो आप लोग ये जो पैटर्न बना है इसका, और इसका भी ब्रेक हो चुका है। और इसका हम ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने बहुत दिन से बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो 9150 का नीचे जाएगा, तो इसका नीचे जाने का चालू हो गया। तो इसका देखिए अभी 9150 के ऊपर जाना इसका मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो इसका इसमें आप लोग को बहुत सारा नज़र आता है, लेकिन इसमें मेरा जो दिखाता हूँ वो भी वही आप लोग देखिए देखिए देखिए। और चार्ट का सेटअप भी आप लोग को समझ दूंगा, और किसी को जो लगता है कि इससे कुछ मतलब जो इसको आप लोग को इतना आप लोग को मत देखना है, तो जो मैंने दिखा रहा हूँ वही देखिए। इसका इसका जो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका नीचे है, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका नीचे है, ठीक है। और ये जो बीच में जो ट्रेंड लाइन गया है इसमें इसका भी नीचे है, ठीक है। तो इसका जो अभी मैंने ज़्यादा वक्त नष्ट ना करते हुए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का बोल देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए इसमें तो आज क्लोजिंग दिया है 9066 में, ठीक है। तो 9096 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 9162 नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद 9302, उसके बाद 9344 मतलब 9350, उसके बाद 9484, उसके बाद 9681, 9621, इसके बाद 9762, इसका ये रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ये जो साइकिल चालू हुआ है मतलब क्या बोलता है, मैंने बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि जो 2008 से 5 वेब में ये ऊपर गया था 12,630 तक, उसके बाद वेब करेक्शन हुआ आया था नीचे का, उसके बाद वेब भी ऊपर का करेक्शन है, और ये वेब सी चालू है, इसका नीचे का करेक्शन चालू है। तो इसका नीचे जाने का अभी नीचे जाने का प्रॉबिलिटी बनता है। और इधर से देखिए मेन जो सपोर्ट है इसका, ये भी आप लोग को दिख रहा है इधर से शायद फिगर, हाँ ये देखिए 9889 में इसका जो हाई मारा था मतलब स्विंग हाई मारा था, उसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इधर 8806 में बहुत ही अच्छा सपोर्ट होगा, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अभी ऊपर का। नीचे का 8806 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, 8806 के नीचे ये 7724 का ये दिख रहा है, 7724 का, और इधर 6642, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका तो दिखा दिया, इसके बाद बैंक निफ्टी को दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी का दिखाने के लिए तो थोड़ा सा सब बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अपर विक भी छोटा है, ठीक है। अपसाइड में ये गया था 17486 के ऊपर 18,000, बस थोड़ा सा छोटा वीक है, और इधर थोड़ा सा बड़ा वीक है, थोड़ा सा छोटा वीक है कंडे का, लेकिन अपर वीक थोड़ा सा बड़ा है, अपर वीक थोड़ा सा बड़ा है और नीचे का वीक थोड़ा सा छोटा है। ये भी बुलिश कैंडल बना है, लेकिन इसका भी नीचे है, इसका भी ट्रेंड नीचे है। और निफ्टी का भी आप लोग देख सकते थे, इसका भी ये जो ग्रीन लाइन पीला वाला लाइन और रेड लाइन, मैंने जो लोग मेरा रेगुलर व्यू देखता है मैंने ये रोज ही बोलता हूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी का ये नीचे है, आप लोग को निफ्टी का भी ये नीचे ही दिखता दिखा है, ठीक है। निफ्टी का भी ये नीचे ही दिखेगा, मैंने वो दिखाने का भूल गया, लेकिन वो नीचे नीचे ही रहेगा, ठीक है।
और इसका ट्रेंड नीचे भी आएगा, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, इसका भी जो मैंने निफ्टी का बारे में जो जो बोला तो इसका बारे में वही मतलब है, वही मतलब ट्रेंड वगैरह जो और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड वगैरह बोला वही ठीक है, लेकिन वही एप्लीकेबल है। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को इधर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए लगभग आरएस कितना 617,000 शायद 840, शायद नहीं इधर से देखता है 17,840 में इसका क्लोजिंग दिया है, 17,977 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाएगा तो ये 18,468 तक जा सकता है। एक्चुअली इधर हाँ 18,000 पहले 18,295 पकड़िए, इस हाँ 18,328 पहले 18,328, उसके बाद 18,468 ठीक है, और उसके बाद 18,762, इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है 19,000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सब 19,112, 19,512, 19,900 का लेवल ठीक है, 900 का लेवल, उसके बाद 20,329, इसके बाद 20,729। तो ये बहुत दिन आप लोग उसको भूल जाइए, 20,000 बहुत दिन, 20,000 नहीं मैंने 20,500 या 21,000 ही बोलता हूँ, वो बहुत दिन बाद देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। 18,703 इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और 15,439 इसका बहुत ही नीचे वाला रजिस्टर, हाँ 21,967 इसका लेवल, इसका लेवल तक इसका देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा जी ओवन, हाँ ठीक है। और ये 15,439 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, और इसके बाद इसका नीचे लेवल 15,439 तोड़ेगा तो 12,176 जिसका चांस बहुत ही ज़्यादा लगता है मेरा, और उसके बाद 8,900 इतना देखना पड़ेगा, लेकिन 12,176 के नीचे जाना चाहिए। एनीवे तो आप लोग को इंटरडे, अच्छा मतलब मैंने इसका नहीं बोला, नीचे का साइड नहीं बोला ना, तो नीचे का साइड आप लोग को भी दिखा देता हूँ, इसका 17,800, 16,408 ठीक है, उसके बाद 16,252, उसके बाद 15,820 और 15,439 ठीक है। और निफ्टी का ये अभी मैंने इसका एनालिसिस करूँगा, क्या बोलता है ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूँगा, बहुत सारा चीज़ आप लोगों के लिए रेडी करके रखा रखा हो वो मतलब आप लोग को दिखाने के लिए, तो आप लोग इसका अंत जरूर देखिए, आप लोग को बहुत ही फायदा होगा। इसका मैंने जो निफ्टी का जो लेवल्स दिखाऊंगा डेली चार्ट, थोड़ा सा नेट हाँ डेली चार्ट ही लगा हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर गया है। अब लोग जो लोग मतलब कल का वीडियो देखा था जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था मैंने, तो उसका भी उसका हिसाब से ये काम करता है, लेकिन देखिए अच्छा नीचे का जो इसका लेवल है तो इसका जो मतलब 8,919 का लेवल, 8,936 का लेवल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद फ्यूचर का बात कर रहा हूँ, 8,000 एक नीचे का ट्रेंड है ठीक है, और इसका 8,446 या 40 का RSI थोड़ा सा 40 के ऊपर दिखा रहा है, लेकिन इसका नीचे ही ट्रेंड पकड़ सकता है 8,834, उसके बाद 8,500, उसके बाद इसका 8,300 का तक ये आ सकता है। ऊपर जाने के लिए इसका एक्चुअल जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब मैंने लंबा ट्रेंड का बात कर रहा हूँ इसका, अच्छा पहले छोटा ट्रेंड का 9,123 ठीक है, उसके बाद 9,292, उसके बाद 9,394, उसके बाद 9,3500 का 13, उसके बाद 9,632, उसके बाद 9,600 का 34, उसके बाद 9,900, उसके बाद 10,000 ठीक है। तो इसको आने में देर लगेगा, अच्छा इसके बाद
17,334, उसके बाद बैंक निफ्टी का जो चार्ट है 17,434 नीचे का वाला ट्रेंड है, उसके बाद 16,983, उसके बाद इसका 16,164, उसके बाद इधर सपोर्ट देख रहा है, इधर 15,000 का लेवल पे, 15,500 का लेवल पे इसका सपोर्ट है, और इधर ऊपर जाने के लिए इसको पहले 17,978, उसके बाद 18,446, उसके बाद 19,382, 19,617, उसके बाद 20,202, उसके बाद 20,787, उसके बाद 21,450, उसके बाद 21,922,16, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 23,198, 24,000 इस पर रेजिस्टेंस है, तो इसके बाद मैंने ऑप्शन चेंज एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, तो ऑप्शन चेन का जो है इसका 9,200 का लेवल पे इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉन्सेप्ट में सबसे ज़्यादा इन ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, फिर समस्या के इसका ऊपर जाएगा, तो इसीलिए लॉन्ग बिल्डअप करके रखा है, उन लोग को लिए मेरा शुक्रिया शुभकामनाएँ। एनीवे तो एनीवे बाद में बोलता हूँ, इसका 9,200 का लेवल रहता है इधर, और इधर इसके लिए इधर से जो है 16,800 का लेवल पे इसका शॉर्ट बिल्ड 8,800 में शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, 8,800 में सबसे ज़्यादा शॉर्ट कर रहा है, 9,100 में सबसे ज़्यादा लॉन्ग किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इधर, क्योंकि क्या क्या कैसे बोल रहा हूँ मैंने, तो इधर से कैसे पता चलता है कि इधर देखिए नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना भारी है, इधर सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये 9,100 का लेवल पे हुआ है, मतलब इसे इधर एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग हुआ है, ये नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इधर शॉर्टिंग हो रहा था, इधर शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, इतना सारा लोग इसको 9,100 को शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका भी वजह एक हो सकता है कि मैंने बोला था पीसीआर रेशियो जो 0.50 का नीचे चला गया उसका कुछ करेक्शन होगा, ये 0.90 का आसपास आ गया है, उसका वजह से कुछ होगा और हुआ है, और सेकेंडली जो लोग पुट शॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है, जो सॉरी पुट बाई करके रखा है, पुट बाई करके रखा है, बिग प्लेस पुट बाई करके रखा है, तो इसका इधर इधर मतलब 9,100 में इसका देखे कॉल देखे हेजिंग कर रहा है, इसका वीक प्लेयर्स ऐसा वीक प्लेयर्स ऐसे इतना सब इतना जो भारी चेंज दिखा रहा है इसका इसका जो लॉन्ग कर रहा है, तो इसका एक ही वजह हो सकता है कि वो पुट शॉर्टिंग कर पुट लॉन्ग कर किया है, इसका देखे कॉल देखे इसका हेजिंग किया कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ऊपर जाने का उम्मीद आप लोग ज़्यादा ऊपर नहीं, मैंने यही नहीं ये नहीं बोलूँगा कि नीचे बहुत ही नीचे चला जाएगा, लेकिन 9,150 ब्रेक होना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, या 9,100 का लेवल ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है, इसका जो आइदर इस रेंज के अंदर रहेगा, नहीं तो नीचे का लेवल में ट्रेड करेगा, 8,806 ब्रेक होगा ये नहीं बोल सकता, लेकिन नीचे का लेवल पर ट्रेड करेगा ये बोल सकता हूँ। और इधर बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का जो दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का मैंने देख लेता हूँ, इसीलिए मैंने बोलता हूँ कि मेरा पूरा वीडियोस देखिए तो आप लोगों को बहुत सारा जानकारी का मिल जाएगा। अच्छा, और एक चीज़ बताना है कि इधर फ्यूचर का निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फ्यूचर है आप लोग भी चेक कर सकता है, मैंने ऑलरेडी चेक सभी, तो मैंने किसी जगह कैसे देखूंगा तो मेरा बहुत ही टाइम चला जाएगा, मैंने बहुत सब बार देखा है, आप लोग मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देखे आप लोग देख सकता है, और उधर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मैंने मंथ एंड का बात कर रहा हूँ जो कि वो नीचे एक्चुअली है, आप लोग को बोल दिया जो बोलना था बोल दिया। इसके बाद देखिए इसका 18,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्टिंग चल रहा है बैंक निफ्टी का, और इधर 17,000 में सपोर्ट बना है, इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, और इधर कॉल साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही कॉल साइड में
आईबी बढ़ गया है, कॉल साइड दोनों साइड में, दोनों का ही कॉल साइड में आईबी बढ़ गया है और पीसीआर रेशियो बढ़ा है और प्राइस पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि 9100 ब्रेक करेगा, 9100 या 9150 इसका नीचे का लेवल पे ट्रेड करेगा। और ये भी 18500 का लेवल तोड़ेगा या ऐसा नहीं है, इसका 8500 का नीचे का लेवल पे ट्रेड करेगा। मैंने बोला है कि बिग प्लेयर्स क्या करता है, तो इसी का वजह से इसका हुआ है, ये हेजिंग कर रहा है, तो इसीलिए इतना बड़ा मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है निफ्टी का। ठीक है, इसका वर्किंग फाइल देखता हूँ, आप लोग भी चेंज, आप लोग FII DII डाटा भी देख सकता है क्या हुआ है, क्या उधर उधर उन लोग का एक्टिविटी क्या चल रहा है। अच्छा, निफ्टी का इधर से थोड़ा सा ये इधर निफ्टी का 9200 में इसका तो अपट्रेंड दिखा रहा है, बैंक निफ्टी का भी प्रोबेबिलिटी अपट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, और इसका जो लेवल है और अच्छा, और भी एक चीज़ ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इधर 1.04 है, कल इसका 0.98 था, इसका मंथ एंड दिखा रहा हूँ, पुट कॉल रेशियो वर्सेस निफ्टी का जो चार्ट है, ये पीला वाला निफ्टी का चार्ट है और लाल बैंक निफ्टी का, सॉरी पीसीआर रेशियो है, तो ये मंथ एंड तक इसका 1.05 है, ये दोनों एक साइड कॉन्सेट कर गया, जब ये ऊपर जा रहा है ये ऊपर था, ये नीचे था, लेकिन ये एक साथ ही होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा बैंक से, तो ये सब इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, 1.04 है। ठीक है, इसके बाद इसका दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का, देखिए ये भी कॉन्सेट हो गया है, तो इसका भी इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है, इसका 0.68 हो गया है, कल कुछ 0.66 ऐसा कुछ था। अच्छा, इसके बाद जो मैक्सिमम पेन है, देखिए इधर 18000 का मैक्सिमम पेन दिख रहा है, लेकिन मैंने इसको 18500 ही पकड़ा हूँ। ठीक है, 18500 का दिख रहा हूँ, 18500 का लेवल तोड़ना इसका बहुत ही मुश्किल रहेगा। और इसका जो है बैंक निफ्टी इधर 9100 दिख रहा है, 9000 मैंने 9150 पकड़ा हूँ, तो इसका भी तोड़ना मुश्किल रहेगा। अच्छा, FII DII एक्टिविटी के लिए आप लोग को देखना है इधर, आप लोग भी इधर से गूगल सर्च करके देख ले सकता है, इधर आज का दिन में कितना इसका मतलब हुआ है वो भी आप लोग इधर से देख ले सकता है। और पहले खुल के रख रहा था, अच्छा ये गूगल सर्च के आ जाता है, चलिए ये जो साइड है, ये इसका जो मतलब लिंक है इधर से आप लोग देख सकता है, एसी इंडिया साइड से बहुत सारा लोग जानता है, आप लोग को मैं जो लोग नहीं जानता इधर से देख सकता है। ये देखिए आज का दिन में इसका नेट मतलब नेगेटिव है, इतना बाई कम सेल ज़्यादा, नेट वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, DII एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ा है, ये 20 का में DII एक्टिविटी नेट इंक्रीज किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा रेंज बाउंड है, लेकिन FII एक्टिविटी इसका नेगेटिव ही रहता है। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैंने जो ज़रूरत का चीज़ बोल देता हूँ। और इधर देखिए मैंने इधर का आप लोग नोटिस करेंगे तो इसका जो ये जो लेवल है, मैंने एनालिसिस का इसका लेवल पे मार्केट चल रही है, कि 9107 का जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा, उसके बाद 9200 आ सकता है, उसके बाद 9261 9000 ऐसे करके इसका अपर का लेवल देख सकता है। और इधर का लेवल आप लोग नीचे हुआ लेवल 8825 तोड़ेगा तो इसका 8762 आने का ज़्यादा देर नहीं लगेगा, उसके बाद 8731 उसके बाद 8637 ऐसे करके ये नीचे आएगा। और बैंक निफ्टी का आप लोग देख सकता है कि 20,000 800
800 का मैं क्लोजिंग दिया है, तो इसका लेवल पकड़ सकता है। इसका 130 के ऊपर 8500, इसका लेवल तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। उसका लेवल तोड़ेगा तो ऐसे ऊपर आएगा, और इसका नीचे वाला लेवल ऐसा हो सकता है 16921। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का थोड़ा काम करेगा, उसके बाद 16116 का बहुत ही सपोर्ट का काम करेगा। और डेली का जो करना है वो भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, ये 45 डिग्री से 360 डिग्री तक एक फर्स्ट साइकिल अप साइड फर्स्ट साइकिल, और फिर से इधर 45 डिग्री से 360 अप साइड डाउन साइड फर्स्ट साइकिल, ठीक है। उसके बाद ये एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल, इसके बाद सेकंड साइकिल अप साइड का डाउन साइड, सेकंड साइकिल में अप साइड डाउन साइड दिखा रहा है, और थर्ड साइकिल का अप साइड डाउन साइड, ये आप लोग नोट करके रखिए, इसमें बहुत ही काम के काम पे आएगा। और इधर का जो मतलब वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल है, वोलेटिलिटी बेस्ड जो लेवल है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। रात में भी दिखाता हूँ, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का टाइम पे भी आप लोग दिखा देता हूँ रात में। एक्चुअली इक्विटी कमोडिटी का ज़्यादा दिखाता हूँ। इधर देखिए, इधर का वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची लेवल्स और गाउन लेवल्स से भी आप लोग देख सकता है। आप लोग एक कोई भी देखिए, मान लो जितना सारा लेवल्स दिखाता हूँ, वो जो लॉम्बर टेंट दिखाया, वो जो नीले वाला फाइल से जो लॉम्बर टेंट दिखाया जो, लेकिन इंटरडे के लिए ये सब लेवल आप लोग कोई भी एक लेवल फॉलो कर सकता है, वो थ्री एनालिसिस फॉलो कर सकता है, नहीं तो ये दोनों का जो लेवल देखा फिबोनाची और गाउन का जो लेवल दिखाता हूँ कोई भी एक फॉलो कर सकता है। अच्छा, कुछ लॉम्बर टेंट आप लोग को दिखा देता हूँ, उसमें भी आप लोग को फिगर माथे पे रहेगा तो आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा। इसका फाइल नहीं खुल रहा है। आप लोग कौन सा जब देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा सुविधा होता है, क्योंकि मतलब फ़ायदा होता है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बहुत सारा चीज़ बोलता हूँ तो बहुत सारा चीज़ एक एक करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अप टेन चार्ट में अप टेन दिखा रहा है या डाउन टेन दिखा रहा है, बहुत सारा चीज़ देखने का और एनालिसिस करना करता है। और जो बहुत सारा लोग मैंने बोलता है कि कुछ लोग मैंने मेरा दोस्त कुछ दोस्त मेरा हाउ टू एनालाइज कर, तो इसीलिए ऐसे करके आप लोग भी एनालाइज कर सकता है क्या क्या मॉडल पैरामीटर्स मैंने देख रहा हूँ, वो भी आप लोग देख सकता है। ये सब चीज़ आप लोग ग्रीन पोर्शन और रेड पोर्शन में जो इतना सारा दिखा रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग देख सकता है, ठीक है। निफ्टी का दोस्तों 700 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है और 400 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है आज इस महीना में, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। उसका हाई था 9500, तो अपसाइड में 400 पॉइंट तो जाएगा नहीं, ठीक है। 9500 और 8800 इसका हो गया है, तो इसका 35.85, ठीक है, तो इसका हो गया है। तो इसका आयदा नीचे आएगा, नहीं तो इसका रेंज बाउंड रहेगा, इसका रेंज का अंदर ही ट्रेड करेगा। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ इधर से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और भी तरीका से कैलकुलेट, लेकिन ये भी एक तरीके। इधर देखिए 1023 पॉइंट इसका मूवमेंट होगा और 2234 पॉइंट इसका मूवमेंट होगा बैंक निफ्टी का, तो ऑलरेडी इसका मूवमेंट कितना हो चुका है आप लोग देख सकता है। उसके लिए मैंने और भी फाइल कितना दिखाऊंगा, मेरा बहुत ही टाइम चला जाएगा। उसके लिए आप लोग को ये फाइल दिखा रहा हूँ, उसके लिए दिखाने के लिए मेरे को गन टाइम प्राइस का दिखाना पड़ेगा। चलो उधर मैंने सब डाटा अपडेट करके रखता हूँ, मतलब उधर मतलब सभी जगह, मतलब जित कुछ एक जगह में तो सभी नहीं हो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए अलग अलग फाइल बनाना पड़ता है। इधर देखिए मंथ का कितना मूवमेंट हुआ है, ये ईयरली का है, इसका डेली है, डेली आज तक 595 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का 2700 ये वीकली है, ठीक है। और इसका जो मंथली का जो है, इधर देखिए इसका 3998 इसका 58 इसका मंथली मूवमेंट, और इसका निफ्टी का जो है इसका मतलब कुछ
आज आप लगी रात से भी आज आधी राशि से भी आज आधी राशि दिख रहा है। तो इधर देखिए 8806 पता है और 9899 ये इसका हाई मतलब इम्पोर्टेंट है। एनीवे अच्छा और भी एक चीज़ दिखाने का था। हाँ एसजी निफ्टी का दिखा देता हूँ, वो आप लोग भी देख ले सकता है। इसका जो दिखाता है इसका से ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मतलब थोड़ा सा फंडामेंटल का पता है मिल जाता है, कुछ मार्केट का ओपनिंग एटलीस्ट ओपनिंग का पता चलता है। इधर 9100 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसका 8883 इसका लो है, ठीक है 9102 का लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है देखते हैं कल का। और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव मतलब इसका मार्केट के लिए पॉजिटिव है। वर्ल्ड मार्केट में कुछ वर्ल्ड मार्केट में कुछ नेगेटिव दिख रहा है और वर्ल्ड मार्केट में कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है। इसका गोल्ड प्राइस का गोल्ड प्राइस सिल्वर प्राइस बढ़ गया है और इधर डो जोन्स S&P ये सब बढ़ गया है, ठीक है इसका पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। मार्केट ऊपर पॉजिटिव कुछ ओपन हो सकता है 9100 का ऊपर, 9100 का ऊपर मैंने बोल देता हूँ आप लोग का 9116 9136 9142 और ये डॉलर तक जैसे स्केल हो रहेगा लेवल से ये नीचे आ सकता है 9158 का लेवल इम्पोर्टेंट है, उसका ऊपर जाना मुश्किल रहेगा। उधर से फिर से इसका डाउन ट्रेंड डाउन ऊपर ओपन होने के बाद ये नीचे आने का प्रॉबिलिटी ऐसे ही प्रॉबिलिटी दिखेगा। एनीवे अभी वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत ही लंबा हो गया, बाद में रात में फिर से आप लोग को वैसे लेवल दिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।